गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर के बारे में। उनमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है जानेंगे फ्रेंड्स, वन बाय वन। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे फ्रेंड्स। हमारा अभी चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल साइज टू साइज इमेज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज, बट एट द बैक ऑफ द मिरर। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए कि अगर अ प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा इरेक्ट, इरेक्ट माने फ्रेंड्स पता है, इरेक्ट माने सीधी फ्रेंड, सीधी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इरेक्ट है तो इमेज भी हमारी ऐसे ही बनेगी। दिस इज इरेक्ट फ्रेंड। हाँ, नेक्स्ट है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब फ्रेंड होता है जो रियल ना हो, इट इज नॉट रियल, जो रियल ना हो, इट कांट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज कांट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। हम स्क्रीन पर वर्चुअल इमेज को नहीं ले सकते फ्रेंड। सो वर्चुअल का मतलब हम कह सकते हैं फ्रेंड, वर्चुअल का मतलब हुआ फ्रेंड नॉट रियल। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, साइज टू साइड इमेज एट द सेम डिस्टेंस। जो इमेज ऑब्जेक्ट की साइज होगी फ्रेंड, वही साइज इमेज की होगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2 फीट है फ्रेंड, तो हमारा इमेज भी 2 फीट ही होगी। ठीक फ्रेंड, ये इसका ये मतलब हुआ। एट द सेम डिस्टेंस का मतलब फ्रेंड ये हुआ, देखिए फ्रेंड अगर ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये इधर सिल्वर कोटेड है, प्लेन मिरर है। अब देखिए फ्रेंड, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमारी इमेज जो बनेगी फ्रेंड वो यहाँ पे बनेगी। मतलब फ्रेंड जो डिस्टेंस होगा, मान लो फ्रेंड ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये भी 2 ही मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया बात। अब ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है फ्रेंड। अगर इमेज जो है, ऑब्जेक्ट हमारा 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो इमेज भी हमारी 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, बट एट द बैक ऑफ द मिरर, लेकिन मिरर के पीछे एक्चुअल में क्या होगा सर? फ्रेंड मैंने ये पढ़ा चुका है आपको, रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्लेन मिरर से। आप वहां पे जाके क्लियरली इसको समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में कैसे होता है। यहाँ पे जो कह रहा है बैक ऑफ द मिरर, एक्चुअल में क्या होगा, शीशे के पीछे जो है ना वो कोई इमेज बनेगी नहीं रियल में, क्योंकि शीशे के पीछे तो कोई लाइट है ही नहीं फ्रेंड, है ना। शीशे के पीछे कोई लाइट नहीं है, वहाँ पे अंधेरा है, डार्कनेस है। लाइट रेज ऑब्जेक्ट से यहाँ पे आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गई फ्रेंड। ये देखिए एक दूसरी ऐसे गई, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई फ्रेंड। ठीक है, देखिए लाइट रेज यहीं पर आ रही है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर आ करके ये ऐसे निकल गई फ्रेंड। ये नॉर्मली आई थी, इसीलिए वापस इसी रास्ते को ट्रेस कर रही है। अब अगर हम इनको फ्रेंड्स पीछे खींच लेते हैं, इनको हम फ्रेंड पीछे खींचते हैं रेस को, तो ये देखिए यहाँ पे आकर के कट कर जाएंगी, ये एक दूसरे से यहाँ पे कट करेंगी, तो हमें ऐसा लगेगा फ्रेंड कि हमारी इमेज जो है वो शीशे के पीछे बन रही है, लेकिन फ्रेंड ऐसा रियल में होता नहीं है। हमें केवल ऐसा लगता है फ्रेंड कि हम जो इमेज है वो शीशे के पीछे बन रही है। ऐसा हमें क्यों लगता है फ्रेंड? क्योंकि ये जो देखिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज है ना, वो दोनों डाइवर्ज हो गई, ये इधर डाइवर्ज हो गई फ्रेंड। ठीक है, ये इधर डाइवर्ज हो गई। जब ये दोनों डाइवर्ज रेज को हम पीछे खींचेंगे फ्रेंड, एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे आकर मिल जाएंगी, तो ऐसा लगेगा कि हमारी इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, सो शीशे के पीछे कोई लाइट नहीं होती, हमें केवल ऐसा लगता है फ्रेंड कि शीशे के पीछे इमेज बन रही है, और ये इमेज जो होती है फ्रेंड वो वर्चुअल इमेज होती है, ये रियल इमेज नहीं होती फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे देखिए फ्रेंड, दिया इट्स मैग्नीफिकेशन इज 1। मैग्नीफिकेशन फ्रेंड इसका प्लेन मिरर का 1 होता है। इट फॉर्म्स अ परवर्टेड इमेज। परवर्टेड इमेज मतलब लेफ्ट राइट इंटरचेंज। परवर्टेड इमेज का मतलब लेफ्ट राइट इंटरचेंज फ्रेंड। देखिए कैसे, अगर फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट है, ये शीशा है फ्रेंड रखा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड,
ये शीशा है रखा है, ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है, ये ऑब्जेक्ट का राइट है। तो जो इसकी इमेज बनेगी फ्रेंड, ये देखिए, तो ये जो लेफ्ट है ना फ्रेंड वो उसका राइट दिखेगा, जो राइट है वो उसका लेफ्ट दिखेगा, ठीक है फ्रेंड। जो लेफ्ट है वो उसका राइट हो जाएगा दिखेगा, और जो राइट है वो उसका लेफ्ट दिखेगा। इसी को कहेंगे फ्रेंड, इसी को कहेंगे फ्रेंड परवर्टेड इमेज, मतलब लेफ्ट राइट इंटरचेंज, ठीक फ्रेंड। आगे देखते हैं, व्हेन अ प्लेन मिरर इज टर्न बाय एन एंगल थीटा, अगर हम प्लेन मिरर को किसी एंगल थीटा पे टर्न कर देते हैं, द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न अप बाय एन एंगल टू थीटा। जो रिफ्लेक्टेड रे है ना फ्रेंड, वो कैसे, वो जस्ट उस जितना एंगल है होगा उसका डबल एंगल पे वो टर्न हो जाएंगी, ठीक फ्रेंड। ये पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड, अगर मान लीजिए अगर हम प्लेन मिरर को टर्न कर देते हैं, जैसे हम अगर प्लेन मिरर को टर्न कर देते हैं फ्रेंड किस एंगल पे, मान लीजिए हम, ये प्लेन मिरर है फ्रेंड, देखिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है। हम इसको अगर ऐसे हल्का टर्न कर दें किसी 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 एंगल पे, यहाँ बेस से ये किसी एंगल पे अगर हम इसको टर्न कर देते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी ना फ्रेंड, वो उसके जस्ट डबल एंगल पे, जितने एंगल पे वो प्लेन मिरर टर्न हुआ है उसके जस्ट डबल एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होंगी फ्रेंड, यही बताया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब है फ्रेंड्स स्पेरिकल मिरर, आइए जानते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, स्पेरिकल मिरर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर इन विच इनर और आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। If the outer surface is silvered and the reflection takes place from inner surface, the mirror is called concave mirror. If the inner surface is silvered and the outer surface reflects, the mirror is called convex mirror. Friend, देखिए बहुत important point हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। Friend, जो spherical mirrors होते हैं ना, देखिए which is of the form of a sphere, वो sphere के form में होते हैं, ठीक है, जिसमें देखिए स्पेयर के फॉर्म में होते हैं वो, जिसमें क्या होता है उनका अंदर वाला पार्ट या तो कलर्ड होता है, ठीक है, या तो बाहर वाला पार्ट उनका कलर्ड होता है और एक साइड से वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक फ्रेंड। यस, उनका एक साइड होता है फ्रेंड वो कलर्ड होता है, सिल्वर्ड कलर्ड होता है। अगर अंदर का साइड सिल्वर्ड कलर्ड है फ्रेंड, तो वो बाहरी साइड से रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर उनका बाहरी साइड कलर्ड है फ्रेंड या सिल्वर्ड कलर्ड है फ्रेंड, तो वो अंदर के साइड से रिफ्लेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है फ्रेंड कि अगर आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड, अगर देखिए ये यहाँ पे स्पेरिकल मिरर दिया गया है फ्रेंड, ये स्पेरिकल मिरर दिया गया है, इसका आउटर ये जो लाइन लाइन खींची हुई है ये सिल्वर कलर्ड है फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे सिल्वर सरफेस, सिल्वर से हमने इसको कलर्ड कर दिया है, कलर्ड है फ्रेंड, तो इसका अंदर का जो पार्ट है ना, ये अंदर वाला पार्ट ये रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को यही रिफ्लेक्ट करेगा, इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, इसको हमने शॉर्ट नेम RS दिया हुआ है, और सिल्वर्ड सरफेस को हमने SS दिया हुआ है। तो ऐसा मिरर कहलाएगा फ्रेंड कॉनकेव मिरर, मतलब जो अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा, जिसका अंदर वाला सरफेस, ये अंदर वाला सरफेस जिसका रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट की किरणों को रिफ्लेक्ट करेगा, वो कॉनकेव मिरर होगा। और फ्रेंड्स, ऐसा मिरर जिसका अंदर वाला कलर्ड है, सिल्वर्ड कलर्ड है, देखिए अंदर यहाँ पे कलर किया गया है, और बाहरी जो ऊंचा वाला पार्ट है, देख रहे हैं ना फ्रेंड, जो ऊंचा बाहर की तरफ निकला वाला पार्ट है, वो अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा फ्रेंड, तो वो मिरर होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बाहरी वाली, बाहरी की तरफ जो निकला हुआ है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है RS, और जो कलर्ड वाला है सिल्वर्ड सरफेस वो अंदर की तरफ है, ठीक है। AB को फ्रेंड अब अपर्चर कहेंगे, ठीक है फ्रेंड, AB जो है वो एक अपर्चर, मतलब ये A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है फ्रेंड, ये देखिए उसी को अपर्चर कहा गया है, AB, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको समझ में आया फ्रेंड, एक बार हम इसमें फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड ये देखिए ये स्पेरिकल मिरर है फ्रेंड, चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। अब देखिए फ्रेंड, अगर हम इसका सिर्फ बाहरी वाला पार्ट सिल्वर कलर्ड कर देंगे, और ये अंदर वाली, यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा फ्रेंड, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, तो फ्रेंड जिसका बाहरी सरफेस कलर्ड होगा और अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा फ्रेंड, वो कॉनकेव मिरर है।
फ्रेंड वो कॉनकेव मिरर है, और जिसका फ्रेंड जिसका अंदरूनी वाला हिस्सा कलर्ड होगा और जिसका ये ऊंचा हुआ ऊंचा उठा हुआ ये लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा फ्रेंड्स, ये लाइट रेज इस पे पड़ेंगी, इस पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, डायग्राम में आप देख चुके हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है वो देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, अदर सब्जेक्ट्स में आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड, थैंक यू।